भाभी क्यारी तो बना ली है, लेकिन सिंचाई में क्या ध्यान देना चाहिए? देखो आशा, सिंचाई हम अपने खेत के मिट्टी को देखते हुए, जो नमी खेत में रहता है उसके अनुसार हमको सिंचाई करना है। पहला सिंचाई हम बुआई के बाद 20 से 25 दिन बाद हमारा पौधा इतना बड़ा बड़ा यानी कि 2 या 2.5 इंची तक हो जाएगा, उसके बाद से हम फिर सिंचाई करेंगे। 30 दिन के बाद दूसरा सिंचाई करेंगे, फिर उसके बाद से फिर 30 दिन के बाद तीसरा सिंचाई करेंगे, उसके बाद से फिर जब चौथा सिंचाई करेंगे तो 20 या 25 दिन के बाद से फिर हम लास्ट वाला सिंचाई करेंगे। एक बात और हमको ध्यान रखना है कि हर सिंचाई में हमको जीवामृत डालना है। जब हम सिंचाई करेंगे और जहाँ पानी गिराएंगे वहाँ पर ही जीवामृत को एक डिब्बा में ले लेंगे और डिब्बे को छेद कर देंगे और जहाँ पानी गिरेगा वहाँ रख देंगे, वहाँ धीरे धीरे अपने जीवामृत गिरेगा और वहाँ हमारा खेत में जहाँ गेहूँ है वहाँ गेहूँ तक पूरा फैल जाएगा। बुआई करती थी पूरा छीट के करती थी, उस समय तुमको खर पतवार चुनने में आदमी बहुत ज़्यादा लगाना पड़ता था और दिक्कत भी होता था, लेकिन जब तुम श्री विधि से लगाओगी तो तुमको ये दिक्कत कुछ नहीं होगा। आदमी लगाने ज़्यादा आदमी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है। तुम वहाँ पर ही कोनोबीडर को लेके और जब पहला सिंचाई करेगी उसके पहले एक बार चलाओ देगी, दूसरा सिंचाई के पहले फिर एक बार चला देगी, और जब खर पतवार नहीं रहेगा तो फिर हम नहीं कोनोबीडर चलाएंगे, और थोड़ा मोड़ा अगर खर पतवार रहेगा तो तीसरा सिंचाई के पहले फिर हम कोनोबीडर एक बार चला देंगे। कोनोबीडर चलाने से खर पतवार तो ख़त्म होता ही है और मिट्टी भी साथ साथ में मिट्टी भी हल्का हो जाता है और जड़ फैलता है और इससे पौधा बढ़ता है। जब हम बीज उपचार कर रहे थे उसमें जो बीज उपचार किए खेत में, जो ट्राइकोडर्मा वाला जो खाद छिड़काव किए, यही तो आपके गेहूं के फसल को रोग से बचाएगा। हाँ, अगर पौधे में रोग लग जाए तो हम गोबर हींग या खट्टा मट्ठा दवा का छिड़काव हम समय समय पर करेंगे। और कीड़ा से बचने का उपाय भाभी? कीड़ा से बचने के लिए हमें एक महीना का जब पौधा हो जाता है तो हर 10-10 दिन में नीमास्त्र का छिड़काव करना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर अग्नियास्त्र, ब्रह्मास्त्र और मिर्चा लहसुन का घोल का उपयोग करना चाहिए। समझे ना आशा? हाँ हाँ, ऐसा ही करेंगे। आवश्यकता अनुसार सिंचाई करने से पानी की भी बचत होती है और इससे पौधों को भी कोई नुकसान नहीं होता है।